पैकिंग डन हो चुकी है। सो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब निकलने के लिए। सिंपल सी मैंने ये एक फुल गाउन है ये पहन लिया है, क्योंकि सारा रात का ही सफ़र है, और एक ये पिलो रख लिया है, मेरा बैग और ये सब कुछ बस रेडी है, और अब बस निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना बहरीन का ट्रैवल व्लॉग शेयर करूंगी। और आज सबसे पहले जाने से पहले हमने लिया है मिस्ट्रो का ये पिज़्ज़ा, बहुत टाइम बाद ही हम ट्राई कर रहे हैं, और इसके बाद बस हम निकलेंगे बहरीन के रास्ते में। और सेकेंड स्टॉप है यहाँ पर हमारा कॉफ़ी का, तो यहाँ पर हस्बैंड तो लेंगे कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीती और चाय तो इन शॉप्स पर मिलती नहीं है, तो मैं कोई डोनट वगैरह देखती हूँ। और मुझे उस शॉप से चाय भी मिल गई है और डोनट भी। पौने 5 बजे हम लोग निकले थे और 9 बजे हम लोग बॉर्डर पे हैं, और अभी ये पहली चेक पोस्ट है, यहाँ पे बस चेकिंग कराएंगे। बहरीन में मैं एंटर हो चुकी हूँ, और सेम सब वही प्रोसेस था जो कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में इन डिटेल बता चुकी हूँ। वीज़ा मैंने पहले से बाय किया हुआ था, और हस्बैंड क्योंकि अकामा होल्डर हैं तो उनका तो वीज़ा नहीं लगता, तो अभी सिम लेने गए हुए हैं हस्बैंड, और उसके बाद हम जाएंगे होटल। बहुत जल्दी हमारा सारा काम हो गया, अभी 9:30 का टाइम है और 10 to 15 मिनट्स में ये सब कुछ हो गया था क्लियर। तो मेरी एग्जिट लग चुकी है, अब वापसी पे मेरी री एंट्री होगी मेरे वीज़े की। और एक डिटेल और भी मैं बता दूं कि मेरा वीज़ा नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है, मल्टीपल 1 ईयर वीज़ा मेरा नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है, तो जब मैं वापस से एंटर होंगी तो फिर मैं देखूंगी कि मेरी कितनी वैलिडिटी हुई है, 3 मंथ्स मिले हैं मुझे, 1 मंथ मिला है, वो सब अब मुझे वापसी पर पता चलेगा। बाकी अगर बॉर्डर की सारी डिटेल्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी उन वीडियोस का लिंक डाल दूं। होटल में हम एंटर हो चुके हैं, और रूम हमने वही उसी होटल में लिया है जिसमें हमने पहले लिया था, इसलिए फुल रूम टूर तो मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने पहले ये इन डिटेल सारा रूम टूर दिया हुआ है। और इस रूम के साथ भी बालकनी है, और अभी रात का टाइम है तो इसलिए कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आएगा। मैं सुबह में इन दोनों विंडोज़ की बालकनीज़ की वीडियो बना लूँगी। रूम काफ़ी बड़ा है, और पहले वाले हमारे रूम में सोफ़ा था लेकिन इसमें सोफ़ा नहीं है। साथ ही मैं अपनी ये कैंडल भी लेके आई हुई हूँ, इसको भी मैं जला लेती हूँ। और ये यहाँ का बालकनी व्यू है। हम लोगों को अगर बालकनी व्यू ना मिले तो हम इन्हें अपग्रेड करने का कहते हैं, और आप भी जब भी किसी होटल में जाएं तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि आपके होटल को अपग्रेड कर दें। अगर उनके पास अवेलेबल होंगे तो वो ज़रूर आपको बालकनी रूम या स्वीट रूम में अपग्रेड कर देंगे विदाउट एनी फर्दर चार्जेस। तो इस होटल में दोबारा आने का हमारा रीज़न भी यही है कि हमें इसका बालकनी व्यू बहुत पसंद है। बहरीन का मौसम अब काफ़ी चेंज हो चुका है, 3 मंथ्स पहले जब हम आए थे तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी जो कि अब वो भी नहीं है, और हम लोगों ने तभी ये होटल बुक कर लिया था, और इसीलिए हमें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। अभी इसकी प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम क्योंकि पहले जब आए थे तो हमें पता था कि 3 मंथ्स बाद एक्सटेंशन होनी है, तो हमने तभी इस होटल की बुकिंग करवा ली थी। होटल पहुंच के मैं तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो कुछ खाने के लिए लेने गए हैं, और सबसे पहले हमने पहुंच के वॉशरूम क्लीन करवाया है। और ये कुछ टाइम पहले ही मैंने देखा था कि होटल्स में पहुंच के सबसे पहले एक तो आप यहाँ की बेडशीट्स चेंज करवाएं, और दूसरा अपने वॉशरूम्स लाजमी दोबारा से, वैसे तो क्लीन ही होते हैं लेकिन एक दफ़ा दोबारा उसको क्लीन करवा लें, तो हमने वो क्लीन करवाया, बेडशीट हमने चेंज नहीं करवाई। और रात के खाने में हम खाने लगे हैं हार्डीज के बर्गर,
क्योंकि अभी इस टाइम पर हमें यही मिल सकते थे, तो बस ये भी खाते हैं। और अब मैं आपको इस रोम का फुल व्यू दिखाती हूँ, जिसकी वजह से हम हर दफ़ा यही वाला होटल बुक करवाते हैं। तो ये पूरी विंडो कवर करती है इसकी एक साइड को, और ये वाली इसकी दूसरी साइड को। और हम लोग अभी यहाँ के 23 फ्लोर पे हैं, काफ़ी हाइट पे है ये वाला, और साथ ये बालकनी है, और यहाँ से ये व्यू है। मैं यहाँ पे रेडी होने लगी हूँ, और इस बार मैं अपने साथ बेबी लिस की ये वाली स्टाइलिंग मशीन लेके आई हूँ, और इसमें मैं क्रिम्पिंग करूँगी। और ये थोड़ी सी लूज क्रिम्प्स होती हैं, बहुत ही अच्छा इससे हेयर स्टाइल बनता है। अभी बस ये करती हूँ और जल्दी से रेडी होती हूँ, और फिर दिखाती हूँ कि आज हम बहरीन में कहाँ जा रहे हैं। अभी हम निकल चुके हैं, टाइम अभी हुआ है 1:00 यहाँ पे, और सबसे पहले हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले भी गए थे एक बार, और वहाँ के पानी पूरी और कढ़ाई वगैरह हमने खाई थी। तो आज हम उनके मेन्यू में कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। हम लोग आज ब्रेकफास्ट के लिए मस्त माहौल आए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मुझे यहाँ के पानी पूरी शॉर्ट्स ये बहुत पसंद हैं, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट शुरू करने से भी पहले ये खाना चाहती हूँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या मंगवाया है, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट तो नहीं, हमारा लंच है। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है ये पराठा, आप ये देख सकते हैं पराठे की लेयरिंग, और साथ हैं चने और बिरयानी। लास्ट टाइम हमने इनकी चिकन टिक्का बिरयानी मंगवाई थी, इस बार हमने इनकी सिंपल बिरयानी मंगवाई है। मैं बहुत टाइम से इनकी लस्सी ट्राई करना चाह रही थी, और ये कुछ 5 किलो का इसका तो सिर्फ ये वज़न है, तो ये काफ़ी हैवी लस्सी है। ट्राई करती हूँ ये कैसी है। खाना हमने खा लिया है, और इनकी जो ये बिरयानी थी ये भी बहुत मज़े की थी, और पानी पूरी शॉर्ट्स तो वैसे ही इनके मुझे बहुत पसंद है, और लस्सी इनकी मुझे कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। थोड़ी सी मुझे प्राइस भी उसकी ज़्यादा लगी थी, और बहुत ही हैवी थी। अगर आपने इतना हैवी खाना खाया हुआ है तो उसके बाद वो लस्सी तो बिल्कुल भी नहीं पी जा सकती। हम लोग अभी आए हैं बाबुल बहरीन, वो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद हम जाएंगे एवेन्यूज मॉल। वहाँ पे आज हमने काफ़ी एक्साइटिंग सी एक चीज़ प्लान की हुई है, वो मैं आपको वहाँ चल के दिखाती हूँ। ये बाबुल बहरीन में उसी शॉप पे हम आए हैं, यहाँ पे काफ़ी प्यारी डिज़ाइनिंग है हर चीज़ की, और टर्किश लैम्प्स की। और ये कुछ टर्किश लैम्प्स हैं यहाँ पे, जिसमें ये स्मॉल साइजेस भी हैं, और ये यहाँ पे मुझे बहू रखने वाला एक बहुत ही क्यूट सा मिल गया 2BD। उस शॉप से तो मैंने सिर्फ बहू के लिए एक उसका होल्डर ही लिया है, और यहाँ पे अभी हम कुछ रिंग्स वगैरह देख रहे हैं। बाबुल बहरीन के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं एवेन्यूज़ मॉल, और जब मैं बहरीन में एंटर हुई थी रात के टाइम, तो बहुत अच्छा मौसम था, हमें लगा कि यहाँ पे तो गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन दिन के टाइम यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे चलना मुश्किल हुआ हुआ था, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी ऐसी सी जगहों को इन्जॉय करने में। Oh.
और यहाँ से आपको टिकट मिलेगा जो कि राउंड ट्रिप का 20 रियाल है, और वाटर टैक्सी जो यहाँ से बहरीन बे तक लेके जाती है उसका है 10 रियाल। तो अभी क्योंकि बिल्कुल ही सनसेट होने वाला है तो हम लोग जो है एक राउंड ट्रिप भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबी लाइंस बनी हुई हैं। लेट्स सी हमारी बारी का बात। यहाँ पे एक्चुअली लेट हो गए हैं और अभी यहाँ पे 5 बजे का 5:15 का टाइम है, और ये यहाँ का पीक टाइम है जब यहाँ पे सनसेट हो रहा होता है। तो हमें अभी टिकट नहीं मिली, हमें एक घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसलिए हम आज नहीं जा रहे, हम अब कल जाएँगे। मैंने H&M से ये वाली रिंग्स ली हैं, और शीन से भी मैं रिंग्स लेती रहती हूँ जो मैंने अभी पहनी हुई भी हैं। तो ये वाली अभी H&M पे मुझे 1 BT जिसका मतलब 10 रियाल है, मुझे ये रिंग्स मिली हैं। और चीज़ केक फैक्ट्री में आज हम इनका ओरिजिनल चीज़ केक ट्राई करने लगे हैं। ये बहुत ही फ्लफी सी इनकी कैपेचिनो है, तो अभी ये दोनों चीज़ें इंजॉय करते हैं क्योंकि बोट राइड तो हमारी आज नहीं हो सकी। रूम में हम लोग वापस आ चुके हैं, और यहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी, तो बस मैं अभी वापस आ गई हूँ। और रात का खाना अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। ये कुछ शॉपिंग है जो H&M पे सेल थी, और ये बाथ एंड बॉडी की क्रीम्स कुछ चाहिए थी, तो ये बस चीज़ें कुछ ली हैं। और रूम अब नीट एंड क्लीन है, अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और फिर देखते हैं कि रात में क्या खाते हैं। आज यहाँ के वेदर की वजह से मैं बस रूम में आ गई थी, और आज का खाना भी रूम में ही है रात का। तो हमने आज लाया है शवरमा, और ये जफेर स्ट्रीट पर एक शॉप है, वहाँ से शवरमा लिया। और डिनर के बाद अब मैं ये बालकनी व्यू इन्जॉय करने आई हूँ। आज हमारा लास्ट डे है बहरीन में, और इंशाल्लाह कल हम रियाद की तरफ वापस चले जाएंगे। तो वापस जाते हुए जो भी मेरी अपडेट होगी वीज़े की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आज बस हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, और अभी सबसे पहले हम जाएंगे एवेन्यूज़ मॉल, और जो पेंडिंग काम हमारा कल नहीं हो सका था वो करेंगे। सबसे पहले हम अपना लंच करेंगे, अभी सिज़लर पे क्योंकि वेटिंग है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे विंडो शॉपिंग करने आ गए। मुझे इस तरह की डेकोर में वॉल हैंगिंग्स बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे 6 BD है। और हम लोग यहाँ पे अपने फेवरेट टर्किश क्यूज़ीन में लंच करने आ गए। पहले हुमस विद ब्रेड जो कि हमारा फेवरेट है, और ये हमारी मेन डिश है। और हम लोग यहाँ के हुमस विद ब्रेड और ग्रिल से ही काफ़ी ज़्यादा फुल हो गए हैं, तो अभी हम पैक कराने लगे हैं, और आज हम दोबारा कोशिश करेंगे यहाँ की बोट राइड हमें मिल जाए। और ये वाली बोट है जिसमें राउंड अबाउट राउंड ट्रिप होगा। कल हम लोग लेट हो गए थे तो हमने टिकट नहीं लिया, इसलिए हम यहाँ पे आज 4:30 बजे आए थे, और अभी हमने टिकट ले लिया है। फूड कोर्ट से आप एंटर हो तो बिल्कुल सामने बोट राइड है, और वहाँ पे फिर आप टिकट लेके इसकी लाइन में वेट करें। 4:30 बजे हमने टिकट लिया था, और 5:15 बजे हमारी बारी आई थी। इतना वेट करना पड़ता है अगर यहाँ पर रश ज़्यादा है तो।
और फिर वन बाय वन वो आपको इस बोट राइड पे एंटर करते जाते हैं। और हम लोग तकरीबन 10 to 15 लोग थे आई थिंक सो, और 5:15 एग्जैक्ट हमारी ये बोट राइड स्टार्ट हो गई थी। सनसेट का टाइम यहाँ पे बेस्ट टाइम है बोट राइड के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर आप आएंगे तो तब बहुत ज़्यादा धूप होगी और इतनी गर्मी में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बहरीन बे की टैक्सी बनाएं तो यहाँ पे आपको बहरीन बे पे वो उतार देगी और उसकी 10 रियाल। हमने पहले सोचा था कि हम बहरीन बे आएंगे और ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये बहरीन बे है, लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं किसी भी कॉफ़ी शॉप पे जाऊं। मौसम अच्छा हो तो बहरीन बे बहुत अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस बोट राइड का, और 20 रियाल में ये फुल राउंड ट्रिप देते हैं जो कि पूरे इस बहरीन बे का है, और मौसम अच्छा हो तो और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी इस बोट राइड पे आने से पहले, लेकिन किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया था कि यहाँ पे आने के लिए स्पेशल टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो हम लोग जब कल आए थे तो हमें टिकट्स नहीं मिल सकी थी, और आज जो हमारे बाद जिनकी बारी आएगी वो अंधेरे में ये सारी बोट राइड करेंगे। तो जो मेन टाइम है इस बोट राइड का वो 4:30 to 4:30 आप आएँ, यहाँ टिकट्स लें और जो सनसेट है वो वाला सारे व्यूज़ इंजॉय करें, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और जाते जाते हम लोग आए हैं यहाँ जफे स्ट्रीट, यहाँ से मुझे हार्डी से आइसक्रीम शेक लेना है और बस वो लेके तो फिर हम निकलेंगे वापस। और वापस निकलने से पहले ये कॉफी ले ली है हस्बैंड ने, ये डंकिन डोनट्स की ही पाउडर्ड फॉर्म में कॉफी पीते हैं, पाउडर तो नहीं, इसको कॉफी मशीन में बनाते हैं खुद, और साथ ले लिए हैं डोनट। और मैं तो यहाँ पे आइसक्रीम शेक लूंगी, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद। और ये है मेरा आइसक्रीम शेक जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं हमेशा ये बहरीन में ही पीती हूँ, रियाद में तो मैंने नहीं पिया। तो बस यहाँ से अब एंड करते हैं इस ट्रिप को, और यहाँ पे अभी हम बॉर्डर में पहुँच चुके हैं। हम लोग यहाँ पे अभी निकल रहे हैं तकरीबन 6:30 to 7 तक, तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम रियाद जाएंगे, और यहाँ पे अभी मेरी न्यू एंट्री भी हो जाएगी। हम लोग के एस से एंटर हो चुके हैं और मेरे वीजे को 3 months एक्सटेंशन मिल गई है। 1 year मल्टीपल वीजा मेरा नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा था, लेकिन अब मुझे जनवरी तक उसकी एक्सटेंशन मिल गई है, और अब मैं जनवरी से आगे उसको मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकती क्योंकि पासपोर्ट पे मेरा वीजा वहाँ पे एंड।